हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं प्यारे बच्चों कक्षा 11वीं का, यहाँ पास आप देख सकते हैं क्लास 11th का है ये, लेखा शास्त्र का है। यहाँ पास देखिए क्लास 11th का है लेखा शास्त्र का, ठीक, लेखा शास्त्र का ये 80 पूर्णांक का पेपर आया हुआ है। 3 घंटे का पेपर रहेगा प्यारे बच्चों, ये पूरा आप पेपर देख सकते हैं विद्वत, यहाँ पास मैं आपको पूरा हर एक चीज बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब करो और आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास इसका वीडियो पहुंच पाए। यहां पास मैं आपको क्वेश्चन सिर्फ दिखा रहा हूं, इसका आंसर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करना, नीचे वेबसाइट का लिंक नीचे दे दूंगा, वहां से आप लोग आंसर डाउनलोड कर लेना। यहां पास मैं आपको क्वेश्चन दिखाते जा रहा हूं, आप देखते जाइए। लेखा शास्त्र पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुन करके लिखिए, 6 नंबर का आएगा। यहां पास देख लीजिए, लेखा सूचकांकों के ब्राह्मण उपभोक्ता नहीं है तो कौन सा नहीं है, फिर निम्न में से कौन सा खाता नामांतर खाता है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास आप देख सकते हैं, अगला 3रा नंबर यहाँ पास देखिए, परंपरागत पद्धतियों के अनुसार खातों को बांटा गया है कितने भागों में, 2 भागों में, ठीक। और इसका दूसरे का ये बी नंबर सही होगा, और लास्ट का प्रबंधक, पहला प्रबंधक होगा। पासबुक के क्रेडिट शेष का अर्थ है अनुकूल दोष, ठीक। फिर लटपट है शेषु का सूचांक विवरण, ठीक। फिर मूल शाह की प्राकृतिक है, तो इसका आंसर आप खुद देख लीजिएगा, जहां तक है तो हानि का होगा, ठीक ना। फिर यहाँ पास देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति, ये फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो डाउनलोड कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है। फिर एक वाक्य में उत्तर यहाँ पास देख लीजिए, रिक्त स्थान में पहला क्या है, भवन एक खाली स्थान संपत्ति है। फिर यहाँ पास देखिए संपत्ति पूंजी, संपत्ति माइनस पूंजी, संपत्ति बराबर पूंजी प्लस खाली स्थान होता है। डेबिट प्रमाणक व्यवसाय द्वारा किए गए खाली स्थान के लिए बनाए जाते हैं। बैंकिंग समाधान विवरण खाता नहीं है, खाली स्थान है। बैंकिंग समाधान खाली स्थान द्वारा बनाया जाता है। सभी प्रत्यक्ष व्ययों का लेख खाली स्थान खाते में किया जाता है। अनुपार्जित आय के चिट्ठों में खालिस्तान पक्ष में लिखता है। तो इसके आंसर आप ढूंढ लीजिएगा, इनके आंसर नीचे मैं PDF के लिंक में दे दूंगा, ठीक ना। आय की दृष्टि से लेखा वर्ष होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव एक वाक्य में उत्तर वाला है, ठीक। फिर इसके नीचे परिवर्तन वर्तमान समय में फुटकर रोकर वही खाद वही रखने की वैज्ञानिक उपयोगी प्रणाली कौन सी है। फिर विक्रय पुस्तक का योग 500 रुपये अधिक लगाया गया है किस प्रकार से, अशुद्ध है। फिर संपत्ति बराबर पूंजी प्लस क्वेश्चन मार्क, तो इसके आंसर आप खुद देख लीजिएगा, ये यहाँ पास पूरे क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पास अब देखिए सही जोड़ी, फटाफट अब देखते जाइए, स्क्रीनशॉट करते जाइए प्यारे बच्चों, यदि आपको 80 पूरे नंबर चाहिए तो, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए ये सही जोड़ी डबल बार आ गया, यहाँ पास 70 70 पूरा देख लीजिए अच्छे से, ये 70 70 में आपको यहाँ पास आंसर भी मिल जाएगा। पहला क्या है, सत्य है, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य है, पांचवा भी सत्य है और छठवां असत्य है, ठीक। फिर यहाँ पास आप देखिए क्वेश्चन क्रमांक 6वां क्या है, लेखांकन की परिभाषा लिखिए और इसके 8वां में क्या है, लेखांकन की कोई 2 शाखा समझाइए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 2 नंबर का, कितने नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन है, यही आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आया हुआ है पूरा क्वेश्चन, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए 8वां नंबर, कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं पूरे क्वेश्चन आपको नहीं दिखाऊंगा, ठीक। 8वां क्या है, मूल प्रलेख से क्या आशय है। फिर इसके 8वां में है खतौनी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। फिर 9वां में क्या है, विपरीत प्रविष्टि का क्या उद्देश्य है, और इसके 8वां में क्या है, खुदरा रोकड़ वही क्या है, ठीक। 10वां क्या है, रोकड़ वही के संतुलन से क्या आशय है। इसके 8वां में क्या है, क्रय वापस रोजनामा मंच से क्या आशय है, ठीक। ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है। इसके 8वां में क्या है, बैंकिंग समाधान विवरण क्यों बनाया गया है। फिर अगला क्या है, पासबुक से अधिक से क्या आशय है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप रट लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहां पास आप देखिए ये 12वां नंबर यहां पास अच्छा दिया है, पासबुक के अधि
वीवर्स से क्या आशा है, फिर इसके अथवा में क्या है, बैंक समाधान विवरण बनाने के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, फिर तलपट कब बनाया जाता है, फिर इसके अथवा में क्या है, एक पक्षी अशुद्धि किसे कहते हैं, फिर अगला क्या है, मूल हास लगाने वाले किन्हीं चार पद्धतियों के नाम, और इसके अथवा में क्या है, संचय कोष किसे कहते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट है सभी के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना। मैंने यहाँ पास 14 क्वेश्चन बताए हैं, ये टोटल 22 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लो। इस वीडियो में इतना ही, यदि आपको पूरा एक एक क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए अगला पार्ट देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसमें मैं पूरे के पूरे आंसर प्रोवाइड करूंगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है वेबसाइट का, वहां भी आपको इसका पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मिल सके न्यू वीडियो आपको समय समय पर, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।